चलिए हम आपको लेकर चलते हैं दिखाने के लिए, तिरंगा यात्रा निकाला गया खास महात्मा गांधी जी के जयंती के अवसर पर। सबसे पहले हम आपको लेकर चलेंगे कि जब भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चा व्यापार प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष उदयराज सिंह, महासचिव रजनीश तिवारी उर्फ दीपक, उपाध्यक्ष ओंकार पांडे, आनंद मिश्रा, महेंद्र सिंह, अरुण सिंह, अभिषेक सिंह, राणा प्रताप सिंह, शिव कुमार पाल, आशीष पांडे, नागेश त्रिपाठी, इनके नेतृत्व में जब यह निकाला जा रहा था तिरंगा यात्रा, उन्होंने एक अलग जत्था रवाना किया तो और वहाँ पे लोगों में खास करके इस तिरंगा यात्रा को लेकर एक उत्साह का माहौल व्याप्त रहा। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीर जब वहाँ पर लेके जाया जा रहा था, सब एक साथ होकर मानसरोवर जब इकट्ठा हुए। ये जो तस्वीरें हैं ये विठोबा बिरला नाइक जो कि एक समाज सेवक हैं, उनकी तस्वीरें हैं कि वो अपने यहाँ से जब जट्ठा लेकर रवाना हुए और सभी जा कर के एक जगह मानसरोवर में सभी का विलय हुआ। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से इस तिरंगा यात्रा को लेकर लोगों में एक माहौल था। हम आपको लेकर चल रहे हैं और आगे की तस्वीर दिखाने के लिए मानसरोवर पर सभी ने इकट्ठा होकर पहले भारत माता का पूजन किया, साथ में वहाँ पर सब लोगों ने मिलकर तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। खास करके महेंद्र गायकवाड़ ने वहाँ पर इस तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। वहाँ पर तस्वीरें हम आपको अलग अलग दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों में एक माहौल व्याप्त था इस तिरंगा यात्रा को लेकर। लोगों में एक खुशी का माहौल था कि और खास करके आज महात्मा गांधी जी की जयंती थी, इस जयंती को लेकर के लोगों में एक उत्साह बना रहा। हम आपको लेकर चल रहे हैं मानसरोवर, जहाँ पर वहाँ शुरुआत की गई रैली की, उसके बाद में शिवाजी चौक पर जिसका अंत हुआ, वहाँ पर यहाँ के स्थानीय सांसद और मंत्री कपिल पाटिल ने वहाँ पर महाराज शिवाजी महाराज के प्रतिमा पर हार चढ़ाया। उसके बाद उन्होंने हमारे टीम से बातचीत की, उन्होंने वो जब हमारे टीम से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने एक स्पष्ट बात कही है कि जिस तरीके से इस समय शहर का माहौल है, शहर के माहौल को देखते हुए और ख़ास करके सड़कों की हालात और वहाँ पर ट्रैफिक की समस्या जिस तरीके से शहर में बनी हुई है, इस पर उन्होंने घोर चिंता जताई है। हम आपको लेकर चल रहे हैं वहाँ की तस्वीर दिखाने के लिए। जब इस तिरंगा यात्रा की शुरुआत की गई कि उस तरीके वहाँ का माहौल क्या था, ख़ास करके इस कार्यक्रम में संतोष मंजैया शेट्टी जो कि भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष हैं, उनके साथ में प्रवीण मिश्रा, अजीत सिंह, श्याम अग्रवाल, विठोबा नाइक, इनके अलावा वहां पर भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हम आपको लेकर चल रहे हैं वहां पर जिस तरीके से एक उत्साह था, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से तिरंगा यात्रा निकाल कर मानसरोवर से शिवाजी चौक तक लेके जाया गया। उसके बाद शिवाजी महाराज के प्रतिमा पर पुष्पहार अर्पण किया गया। लेकर चल रहे हैं हम आपको दृश्य दर्शाने के लिए, खास करके हमारे टीम के साथ सांसद और मंत्री कपिल पाटिल ने हमारे टीम से बातचीत की है, संतोष मंजैया शेट्टी जो कि भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमारे टीम से बातचीत की है। लेकर चलते सुनाने के लिए उन्होंने अपने वक्तव्य में हमारे टीम के साथ बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है। क्या कहेंगे जो तिरंगा रैली निकाली गई है, कितने लोगों के साथ आप शामिल हो रहे हैं, क्या कहेंगे, कितने उत्साह? महात्मा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में हम लोगों ने माननीय श्री कपिल पाटिल जो हमारे यहाँ मंत्री जी भी हैं, ग्राम पंचायत मंत्रालय मिला उनको, मंत्री जी के मार्गदर्शन में और महेश चौगले जी के नेतृत्व में माननीय संतोष शेट्टी जी जो यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं भिवंडी जिला के, उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने एक रैली निकाली, बाइक रैली। तो हमारे उपाध्यक्ष माननीय श्री गुप्ता जी हैं, पांडे जी हैं और महासचिव श्री तिवारी जी हैं, जो है सब लोगों के कार्यकर्ता के हिसाब से हम लोगों ने एक अच्छी रैली निकालने का प्रयास किया है। आगे मानसरोवर पे माननीय श्री महेश चौगले जी, ये लोग जो है वहाँ पे हम लोगों का वेट कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम का अभाव है, तो जल्दी से जल्दी करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, भारत माता की जय। सर क्या कहेंगे, आज बाइक रैली निकाली जा रही है गांधी जयंती के अवसर पर, क्या कहेंगे? भारत के राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी की जयंती, उसके
कितने लोगों के साथ शामिल हो रहे हैं, क्या कहेंगे? सर क्या कहेंगे आज तिरंगा यात्रा का आयोजन? भारत में आज भारतीय पार्टी हमारे मोदी जी के आशीर्वाद से, नड्डा जी के नेतृत्व में यहाँ पे महाराष्ट्र में हमें देवेंद्र जी चंद्रनाथ पाटिल हमारे सेंटर के मिनिस्टर कई बड़े साहब महेंद्र छोगले जी इनके सबके नेतृत्व में आज अपने भिवंडी में तिरंगा यात्रा का एक शिस्तबद्ध से तिरंगा यात्रा निकला हमारा, जो कि एक देखने लायक था, जिसका हमने बड़ा जिम्मेदार हमारे प्रवीण मिश्रा हमारे जेएस के इस यात्रा के बारे में बताया जा रहा है को दिया है और आज भी हमारे मंत्री महोदय बस पहुंच चुके हैं, उनके आशीष शिवाजी महाराज जी को हम आज फूल अर्पण करेंगे, उनके आशीर्वाद लेके यहाँ पे जो हमारे खाचाजो ग्राउंड में खादू ग्राउंड उत्सव जो लोकल जो मोदी जी का एक नारा है कि हर लोकल को बढ़ावा देना है, तो उसका उद्घाटन भी हमारे मंत्री जी करेंगे। उसका हम जिम्मेदारी बार साउथ सेल के अध्यक्ष मोहन कुंडा को इसका आज का प्रमुख बनाया, ऐसे 14-15 प्रमुख है, हर एक को प्रमुख बनाया, जैसा जैसा प्रोग्राम आएगा वैसा वैसा हम लोग कार्यक्रम करेंगे। फिर भी 7 से 7 सेवा करने के लिए हमें जो मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग गए 17 तारीख को दामन नगर से शुरू किए, जो सम्मान्य मंत्री जी सेंट्रल के आए थे कपिल पटेल जी महेंद्र चौगले के नेतृत्व में, और आज 7 तक कार्यक्रम चलते रहेगा और बहुत उत्साह के साथ भारत का जो झंडा है, ये जो भारत माता को जय बोलने लगे भारत का झंडा, ये हर बार मोदी जी अपने पूरे नड्डा जी दिखाना चाहते हैं, क्या भारत का जो नक्शा ये भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के हाथ में सेफ है, इसलिए आज गांधी जी के जयंती के अवसर पर उनको फूल माला करके हम लोग आज बहुत बड़े तादाद में निकले, जिसने महिला हर एक ने एक अच्छा नियोजन पत्र से कोविड का हर सब कायदा पालते हमने एक अच्छा इधर आज किया करें। सर क्या कहेंगे आज तिरंगा यात्रा का जो आयोजन किया गया है आपने यहाँ पे? नीचे लो ना, नीचे ले। जयंती के अवसर पर और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 17 सितंबर को जो जन्मदिन था, से सेवा ही संगठन ये सप्ताह भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मनाया जा रहा है, और 2 अक्टूबर को गांधी जी के जयंती पर जो तिरंगा यात्रा निकली है, से गांधी जी के विचारों का प्रसार करने का काम ये तिरंगा यात्रा के माध्यम से पूरे देश में आज करने का संकल्प हमको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने दिया है, और वो संकल्प को लेके शहर के गली गली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से जा रहे हैं। सही मायने में देखा जाए तो गांधी जी का विचार जो है पूरे विश्व को प्रेरणा देने वाला विचार है। आपने देखा होगा परसों यूएन में जो यूएन की बैठक थी, तो बैठक में अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष ने भी गांधी जी के विचारों का जिक्र किया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये हमेशा गांधी जी के विचारों को लेके इस देश को विकास के पथ पर कैसे आगे बढ़ाना इसके बारे में सोचते हैं, गांधी जी के सपनों का गांव बनाने के बारे में सोचते हैं, और गांधी जी ने जो विचार दिया है वो विचार को लेके भारतीय जनता पार्टी जन जन तक पहुँचे, ये भूमिका भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया है। निश्चित तौर पर इससे हमारी जो युवा पीढ़ी है, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, मजबूत करने के लिए इस तिरंगा यात्रा से निश्चित तौर पर प्रेरणा लेके काम करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। सर एक प्रश्न और करूंगा, जहां से यात्रा आई है सड़कों की हालात बड़ी दयनीय रही, तो सड़कों की हालात बड़ी दयनीय रही, आपका प्रेशर रहा तो काम हो जाएगा? ऐसा है, इस भिवंडी शहर के विकास के लिए जब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो हम लोगों ने 52 रास्ते कॉन्क्रीट के मंजूर किए थे, उसमें से 17 रास्ते जो अभी पूरे हो गए हैं, आप उसको देख रहे हो,
बाकी जो रोड है उसको स्टे लगा के रखते, अगर वो स्टे नहीं लगाते वो काम होता तो आज आपको सवाल पूछने की नौबत नहीं आती। पूरे महाराष्ट्र में रोड के हालात ऐसे हैं कि सरकार का ध्यान नहीं है, ट्रैफिक के वजह से इतनी परेशान जनता है, सरकार का उसके ऊपर भी ध्यान नहीं है। अभी परसों कुछ मीटिंग हुआ और वो मीटिंग में तय किया हेवी ट्रैफिक अभी दिन में नहीं चलेगी, फिर भी चल रही है। मैं कल टीवी पे किसी की उनका डिबेट सुन रहा था, शिवसेना का एक कार्यकर्ता कह रहा था कि नेशनल हाईवे का काम नेशनल हाईवे नहीं कर पा रही है, इसलिए हमारे पालक मंत्री ने MSRDC को माध्यम से वो काम लिया और अभी MSRDC इसके ऊपर पैसा खर्चा करेगी और काम करेगी। ये गलत जानकारी लोगों को दे रहे हैं। पैसा नेशनल हाईवे का ही है और नेशनल हाईवे काम करना चाहती नहीं थी, ऐसा नहीं था। MSRDC ने नेशनल हाईवे को नितिन गडकरी को कहा कि समृद्धि मार्ग को लग के ये रोड है, ये अगर हमारे पास देंगे तो हम इसको कनेक्टिंगली काम करेंगे। उनके पास दे के भी अभी 6 महीना हो गया, अभी खड्डे भरने का भी काम नहीं हो रहा। तो ये सरकार तो सरकार, उनके जो कार्यकर्ता है वो भी लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इनसे खड्डे भरे नहीं जाते रोड के, तो रोड के काम क्या करेंगे। मेरा आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है, मैंने तो एक ऑनलाइन बैठक में दिल्ली से मैं जुड़ा हुआ था, उस वक्त भी उद्धव ठाकरे साहब को कहा था भिवंडी का जो स्टे लगाया उसको उठा दो, लेकिन अभी तक नहीं उठाया। हमारा सौभाग्य है कि हमारे पालक मंत्री जो है हमारे सबके पालक हैं और उन्हीं के पास नगर विकास खाता है, डिपार्टमेंट है, मंत्रालय है। तो पालक को तो हमारी सारी समस्या इसकी जानकारी तो होनी चाहिए। और जिस जिले के वो पालक है वो जिले में ज़्यादा से ज़्यादा फंड देने का काम वो कर सकते हैं। इसलिए आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को, उनको भी मैं विनती करता हूँ, थाने जिले में लोग परेशान हैं ट्रैफिक की वजह से, खड्डों की वजह से, इसके ऊपर ध्यान दे के लोगों को आसानी से रास्ते के ऊपर से किस तरह से प्रवास करने का मिले इसके ऊपर ध्यान दे। कई ऐसी फैमिली है जिनका कर्ता कोई घर का है, वो एक्सीडेंट की वजह से खत्म हो गया और वो पूरी फैमिली ध्वस्त हो गई। तो ये फैमिली को बचाने के लिए, जनता को बचाने के लिए राज्य सरकार पहल करे और ये रोड की जो हालत है उसको सही करे।